तो भैया इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एक जगह है प्रताप विहार, और आज यहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसी फिनोमल लीडिंग लेडी पर्सनालिटी से हो रही है जो सफल नेटवर्कर है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना अभूतपूर्व इतिहास बनाया है, बेंचमार्क बनाया है। सबसे पहले मैं आपको ये कार दिखा दूं, ये कार है BMW X5 सीरीज है, और जबरदस्त लीडिंग लेडी से आपकी मुलाकात कराऊं, सोनम जायसवाल मैम, बेहतरीन पर्सनालिटी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, आपकी कार में मैं बैठा हूं और आज आपसे बातचीत करूंगा, थोड़ा सा जानूंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैम सबसे पहले तो मैं जानूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों कर रही हैं। सर देखिए, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई के समय पे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बड़ा बनना है। हाँ जी मैम, बहुत बड़ा बनना है जी। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जिंदगी में जी। और क्योंकि हमने ना पैसे की परेशानी देखी थी। हाँ जी मैम। तो मैंने कहा यार पैसे की परेशानी खत्म करनी है। मैंने अपने घर में जब भी लड़ाई होते हुए देखा है ना, हमारे रिलेटिव्स में या हमारे अपने लोगों में, तो उसका एक ही कारण मुझे दिखा, वो था पैसा जी। पर अपन पैसे की लड़ाई को खत्म करेंगे। हाँ जी मैम। तो किसी ने बोला अच्छी पढ़ाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ जी। राइट। तो मैं अच्छा पढ़ने लगी, अच्छी पढ़ाई में थी, लेकिन 12वीं के एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट का इंतजार होता है जी। तो उस बीच कोई मेरे पेरेंट्स को इस इंडस्ट्री की मीटिंग में लेकर जाता है ITO पर, दिल्ली ITO पर, और सौभाग्य से उस मीटिंग में जाने का मुझे भी मौका मिलता है सेकेंड टाइम। और उस मीटिंग में जाने के बाद मैं देखती हूँ कि जो पढ़ के मैं बनना चाहती थी, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, मुझे था कि इंजीनियर बन के ज्यादा पैसा आएगा, तो ऑलरेडी IIT गोल्ड मेडलिस्ट जी, IIT को पढ़ाने वाले प्रोफेसर IIT के बच्चों को जी, वो भी इंडस्ट्री को कर रहे थे, खुद के जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज थे वो भी इंडस्ट्री कर रहे थे। तो मेरा दिमाग घूम गया, भाई साहब काम बहुत गजब है, इतने पद प्रतिष्ठित लोग कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए, करना चाहिए। तो बस वहां से सर जुनून शुरू हुआ और हमने शुरू किया, क्योंकि मुझे ये लग गया था कि शायद वो सब कर वो सब नहीं मिलता जो चाहिए, इसीलिए ये लोग वो बनकर जो मैं बनना चाहती हूँ अब ये काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो मैं भी यही काम करूंगी, क्यों पहले बनूं फिर पैसा लगाऊं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में इतना पैसा भी नहीं था क्यों मुझे इंजीनियर बना पाते, बट अगर मेरे पास इंडस्ट्री ऑप्शन नहीं होती तो शायद मेरे पापा 20-25 लाख कर्जा करते, जमीन बेचते, मम्मी के गहने गिरवी रखते और मुझे इंजीनियर बनाते। और मतलब ये सच में बहुत बदतर होता, क्योंकि इंजीनियर बनके शायद हो सकता है मैं उनका कर्जा भी नहीं उतार पाती। आज मैं देखता हूँ बहुत सारी बेटियां हैं, या तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है तो अपने पति के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन आज आपने अपना एक अलग ही बेंचमार्क बनाया है, सोनम जायसवाल किसी परिचय की मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर आपके, लाखों लोग आपको रोज देखते सुनते हैं, और हजारों लोगों का आप इंटरव्यू एक तरह से सेमिनार करती, वर्कशॉप करती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग बिजनेस की, ये सारी चीजें करती, आज आपने अपना एक नाम बनाया है मैम, इसके पीछे का आपका क्या उद्देश्य रहा, क्या मकसद रहा? सर एक्चुअल में ना मैंने नाम बनाने के लिए काम नहीं किया था जी, मैंने तो बड़ा करने के लिए काम किया था। हाँ जी। लेकिन भारत के अंदर या बोलू पूरे विश्व में सर कामयाबी का शोर पूरी दुनिया में होता है जी, और नाकामयाबी की कहानी सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब भगवान की कृपा से हमने मेहनत की बड़ा करने की सोच के साथ में, और जब बड़ा हो गया तो उस कामयाबी की गूंज दूर तक गई। सोनम जायसवाल का नाम नहीं बढ़ा है सर, सोनम जायसवाल की अचीवमेंट का नाम बढ़ा। अचीवमेंट जी बिल्कुल। तो हमने तो अचीवमेंट के लिए काम किया था, नाम अपने आप हो गया, पहचान अपने आप बन गई। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री का सबसे प्लस पार्ट है कि आप कामयाब होने के लिए काम कीजिए सर, नाम अपने आप आ जाएगा, और नाम से किसको प्यार नहीं है सर। क्या बात, कामयाबी तो आपकी मैं दिखा दूं लोगों को, ये चमचमाती हुई BMW X5 सीरीज, कीमत मैम इसकी क्या होगी? सर एक्चुअल में कीमत थोड़ा बताइए, लोग डर जाएंगे। इसकी जब कीमत आप गूगल जाके करेंगे ना सर, तो ये ले मतलब आपको लगभग 1,15,00,000 की तो वैसे बताएंगे एक्स शोरूम, फिर उसके ऊपर 36 तिटम्मे विटम्मे करके ये कम से कम गाड़ी 1,25,00,000 से ऊपर की जाती है। 1,25,00,000 की कार यस आप मेंटेन कर रही हैं। यस सर, ये इंडस्ट्री के दम है सर, अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। यस सर, जिस काम को लोग बताते हैं फंसने फंसाने का धंधा, कुछ नहीं होता सर। बिल्कुल, मुझे बड़े अच्छे से याद है, मेरे पापा ने बोला, मैंने उनसे स्कूटी की डिमांड की थी, मुझे स्कूटी दिला दो जी। और साइकिल चलाते थे हम जी। तो पापा ने बोला नहीं तुम फर्स्ट आ जाओ 10वीं में तब दिलाएंगे जी। हम फर्स्ट आ गए, हम बोले पापा से स्कूटी दिलाओ जी, बोले नहीं काम करो 12वीं में फर्स्ट आ जाओ तब दिलाएंगे। हमारे बड़े गजब है, चलो 12वीं में फर्स्ट आ गए, बोला अब दिलाओ। BSc फर्स्ट ईयर में आ गए, अभी भी पापा स्कूटी नहीं दिलाए, और पापा एक डायलॉग मारे, हाथी खरीदना आसान होता है पालना मुश्किल होता है, तुमको स्कूटी दिला देंगे पेट्रोल कौन डालेगा। तो मतलब हम उस घर से हैं जहां हमें स्कूटी डिमांड करने पे नहीं मिली थी, नहीं मिली थी, फर्स्ट दो बार आ गए उसके बाद भी नहीं मिली। और आज आप BMW मेंटेन कर रही हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, लोगों के अंदर एक सवाल होगा जी कि हो सकता है वीडियोस बनाने के लिए आप कार पे बैठ गई हूँ, हैंडल पकड़ ली हूँ, आप क्या चला भी पाएंगी, क्या चलाती भी हैं?
सर बिल्कुल सही बात है, तो चला के भी दिखा देंगे सर क्या दिखाते हैं। तो गाड़ी तो चली नहीं है, आपके एक साथ काम करते हैं, आपके साथ थोड़ा सा हम भी घूम ले, काम करते हैं, चला ही देते हैं सर। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, ये फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है ना जी, आपने सिर्फ ड्राइविंग मोड किया और आप रेस दे दीजिए और आपकी गाड़ी चल गई। रही ये चलती नहीं है सर, ये दौड़ती है सर, इसका पिकअप बहुत कमाल है इस गाड़ी का, ये तो बड़ा एकदम लाजवाब एकदम सर, इसका रेस ब्रेक।